हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोग का खाना पीना हो गया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। लाडो तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। देखो इसका, देखो अरे बाप रे, चुड़ैनिया को देखो। अरे चुड़ैनिया ऐसे ऐसे कदा, ऐसे ऐसे बाय बाय कदा। तन इसको देखो क्या कर रही है, देखो देखो क्या कर रही। अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप, ये तो हमको मार रही है। इसका यही काम है, जब भी कोई इसको सेखिया के गोद में लेगा खिलाने के लिए ना, तो ऐसा करती है, मारने पीटने लगती है। अब ज़्यादातर किसी और को नहीं, हमको ही मारती है। अपने पापा के पास जाती है, उसे उनसे शिकायत करती है, और दोनों बाप बेटी मिल के मुझे मारते हैं। रात भर मुझे तंग करती है, दिन में बाप को खोजती है। खाने का समय जब होता है तब माँ को खोजती है, और जब घूमने का समय होता है तो बाप को खोजती है। देखिए बच्चे भी आजकल के वो हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं। जिधर खाने को पाएंगे उधर ही जाएंगे, जिधर घूमने को पाएंगे उधर ही जाएंगे। देखो देखो देखो, अभी मैं गन्ना चूसने बैठी थी तो मेरा पूरा ले ली है। अब पापा उसके चूस रहे थे, तो जाके बस खड़ी थी, देख रही थी उसको, पापा को अपने। और दोस्तों, आरती दीदी, ये आरती दीदी का चैनल है, हमारा नहीं है। और आरती दीदी के चैनल पर हम आए हैं, आप लोग प्लीज़ आरती दीदी को सपोर्ट करें। और बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा मोबाइल इनका नहीं सही है, पर अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो शायद ये मोबाइल भी ले लेंगी। और लाडो तो पहले से बेहतर है, तबीयत का ख़राब था तो अब तो ठीक है। आप लोग का कृपा है, चल रहा है, मतलब दवा रोज हो रहा है। दवा तो चलना ही, अभी 10-15-20 दिन या एक महीना दवा तो अभी चलाएंगे। रोज सुई, मतलब इंजेक्शन और दवा रोज शाम को होता है, वो तो चलता रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जड़ से कोई भी चीज़ नहीं ख़त्म हो पाता, जड़ से ख़त्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब जड़ से ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप दवा बंद हो जाएगा। तब यही सब बातें दोस्तों। और हमारे पति चले गए बाहर, मतलब कमाने नहीं, बाहर खाना वाना खाए हैं और चले गए बाहर थोड़ा टहलने के लिए। तो दोस्तों, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, अभी चार्ज भी लगाए थे इसीलिए मेरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। और अभी चार्ज कर लेंगे, उसके बाद वीडियो डालेंगे और नहा धो के डालेंगे, अच्छे से तैयार होकर डालेंगे। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से जितने भी लोग मेरे को, मतलब जो भी दिए थे, आज हम उसके बारे में ब्लॉग बनाने वाले हैं। और आज ही वो वीडियो डालेंगे। कितने लोग कितना पैसा दिए थे, 1 रुपया से ले कर 5 रुपया, 20 रुपया, 500, 1000, जितने भी लोग दिए हैं सबका नाम बोले हैं अपने वीडियो में बोल के। और आज एक ब्लॉग मतलब बनाएंगे और डालेंगे, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा कितने लोग हमारी मदद की हैं, कितने लोग हमारे हेल्प में खड़े थे, कितने लोग हमारी बेटी को दुआ दिए हैं, कितने लोग हमारी बेटी को बचाने में हमारी सहायता किए हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे कि कितना पैसा कुल इकट्ठा कितना पैसा हुआ था। हम आप लोगों से एक भी रुपए का झूठ नहीं बोलेंगे कि आप लोग कितना हमारा मदद किए थे। जो भी है आप लोग के सामने रहेगा, आप लोग के बीच जाएगा, तो आप लोग देखिएगा। जिस दोस्तों वही लोग मेरा सपोर्ट किए हैं, जो लोग को हम 1 रुपया नहीं दिए थे कभी भी, और किसी कोई भी काम में हम नहीं आए थे, वही लोग हमको दिए थे। और आज जितने लोगों को देखिए, मैं कर्जा कोई भी मांगता है तो किसी की कितनी भी मजबूरी होती है तो मैं देती हूँ, पैसा दे देती हूँ। तो मैं ये सोच के देती हूँ, आज नहीं कुछ तो भी उठा कर दे देती है। इसके पास कुछ भी रहता है ना तो कुछ, मैं सोचती हूँ कि आज मैं दूंगी तो कल शायद मुझे भी मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हुआ, जिसको मैंने दिया था वो पैसा मैं मांगने लगी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला। तो नहीं मिला ना, तो इसीलिए दोस्तों एकदम से उम्मीद ही टूट गई हमारी कि किसी को हम क्या दें, नहीं देने का मन करता है। लेकिन आप लोग का प्यार देख के दोस्तों ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारे साथ अभी भी खड़े हैं, हमारे दुख में और हमारे सुख में। सुख में तो बहुत लोग साथ देते हैं, पर दुख में जल्दी कोई साथ नहीं देता, हमने देखा भी है। अभी देखा है कि दुख में तो आपका यूट्यूब फैमिली आपका साथ देते हैं ना, काहे नहीं देते हम। मेरा दोस्तों देखिए, YouTube फैमिली ही मेरा सहारा है। YouTube फैमिली मुझे कमाने का 4 पैसा भी देती है, और मेरा कोई भी दुख सुख होता है तो मैं अगर स्कैनर लगाती हूँ तो थोड़ा ही सपोर्ट करती है, 5 ही रुपया 10 ही रुपये का करती है, पर मेरा सपोर्ट करती है। मेरा स्कैनर लगाना ऐसे खाली नहीं जाता है, लगाने का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर मेरा सपोर्ट करती है मेरी YouTube फैमिली।
और आज आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मेरी बेटी खड़ी है और मेरी बेटी आप लोगों के सामने है। आप लोगों की दुआ है जो आज ऐसी रंग लाई है कि मेरी बेटी, आप लोग तो मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी बेटी है ही ऐसी है, यूट्यूब फैमिली चंचल है, खुद मैं अपने बेटी के बिना नहीं रह पाती हूँ। क्यों नहीं रह पाती हूँ, देखिए अभी छोटी सी है और फिर उसको कुछ भी हो जाता, अभी अकेली है, लड़की की जात है, अभी भी कुछ हो जाता है उसको तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ। अभी धीरे 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 दवाई कराते कराते ज़्यादा बढ़ जाता है, तबीयत उसका ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो और टेंशन हो जाता है कि कहीं इसको वो बीमारी जड़ से ना हो जाए। जड़ से हो जाएगा तो जल्दी बचाना मुश्किल हो जाता है। दे दे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और दीदी भी अभी नहीं नहाई हैं, हम भी नहीं नहाए, हम लोग जा रहे थे अभी नहा के। आज जाना था हम लोग को, थोड़ा सामान लेना था, ज़्यादा सामान कुछ नहीं लेना था, तो लाडो के लिए मतलब जंतर बनवाए थे ना, वो जंतर भी लेना था और उसके लिए हम एक चांदी का मतलब चंद्रमा देना चाहती हूँ। हाँ तो हम कहा इनको भाभी को चलिए बेगमपुर चलते हैं और वहाँ पे हम जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे शॉर्ट वीडियो। हाँ तो दीदी लेने वाली है इसके लिए चंद्रमा और अपने से लेंगी हम, मतलब हम लेंगे, हमारे अपने पास तरफ नहीं से है पैसा अपने लाडो को लेंगे। जब मेरे पास हो जाएगा पैसा तो मैं लाडो के लिए एक पायल लूँगी जो कि हमेशा पहनने के लिए लूँगी पतला सा, ताकि सबके भी हम भी मजबूत, हम देने में हमको भी किसी को सामान देने में हमको बहुत अच्छा लगता है। पर हम क्या छोटे बच्चे देखिए पहनते हैं, पायल पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मेरी बेटी अभी कोई भी चीज़ नहीं पहनी है, कोई भी चीज़ नहीं पहनी है। अब ये दीदी चंद्रमा देंगी चांदी का तो उसको गले में डाल देंगे, वो काला काला धागा से रहता है ना तो नजर। मेरी मम्मी मुझे 2000 रुपया देने के लिए बोली थी, वो जब दे देगी तो मैं इसके लिए पायल खरीदूंगी, एक पायल ले दूंगी तो ये भी अपना घूमेगी टहलेगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सबकी लड़कियाँ पहनती हमको बहुत अच्छा लगता है। बेशक मैं इतना पैसा मतलब कमाती हूँ दोस्तों, लेकिन मेरा खाने और जीने में, पेट भरने में, घर में, रूम भाड़ा में, इसी में रूम भाड़ा में क्या, यहाँ जाओ वहाँ तो जाओ तो पैसा है। खर्चा नहीं लगता है, इसीलिए बचा नहीं पाते हैं, कोई भी पैसा नहीं बच पाता। अब 8000-10000 आता है महीने का, 3000-2000 मान लो रूम भाड़ा लग जाता है, गैस का लग जाता है, खराब हो गया दवा दर्पण में बहुत मेरा तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मेरा भी और लाडू का भी तबीयत खराब रहता है, इसी की वजह से मेरा एक भी पैसा नहीं बच पाता है। जो भी है थोड़ा कमाते हैं पर थोड़े में ही खुश रहते हैं, जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों से हम मांगते हैं और आप लोग मेरा हेल्प भी करते हैं। और अभी कोई दोस्तों लेडीज एक फ़ोन की थी, मिलने वाली हैं तो इसीलिए मैपुरवा की है, वो आने वाली है मिलने के लिए, तो देखते हैं कब तक आएंगी कब तक नहीं आएंगी, पता देखिए कब तक आ रही हैं। और उसके बाद हम लोग अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बेटी का तबीयत खराब सही रहता है तो डांस करके भी वीडियो बनाने का मन करता है। देखिए अब डांस वाला वीडियो बनाते हैं, तबीयत इसका सही है तो डांस करके भी अच्छा लग रहा है। हम तो कहते हैं कि डांस करके मत बनाइए, क्योंकि मान के चलिए कि माँ बनने वाली है, खुशी की बात है, हम सोचते हैं ना कि इसका शरीर पूरा अच्छा नहीं डांस करता है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर डांस दिक्कत ना उठाना पड़े हम सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया, लाडो भी चिल्ला रही है, गाड़ी के लिए चिल्ला रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही धमाकेदार वीडियो जाने वाला है, आप लोग प्लीज़ देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमारे चैनल पे भी, दीदी के चैनल पे भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।